हेलो भाइयों, मैं उसे बकर और आपका स्वागत है न्यू वीडियो के साथ। तो भाइयों, आज की वीडियो हमारी गाड़ी पर होने वाली है, गाड़ी के रिव्यू पर। और हमारी गाड़ी कौन सी होगी वो दोस्तों आपको जल्दी दिखाते हैं। तो भाइयों, गाड़ी आज ये नहीं वैगनार नहीं होगी, आज होगी सिलेरियो। सिलेरियो का रिव्यू है आज, डिटेल रिव्यू फुल। तो भाइयों, सबसे पहले बता दें, लुक दिखा दें पहले सिलेरियो की, ये ऐसे कुछ। और भाइयों, फिर इसके डिटेल्स में जाएंगे। तो भाइयों देखिए, देखो, और ये सुजुकी की तरफ से गाड़ी मिलती है, ये सिलेरियो। और भाइयों देखा जाए कुछ मिलता है यहाँ पे बम्पर, ये तो एक्सेसरीज का पार्ट है, फोर सिलेरियो। और भाइयों ये पीछे इसमें मिलते हैं दो सेंसर, पार्किंग सेंसर, ऐसा कुछ ये इसका यहाँ पे बूट मिलता है, ये इसके डिग्गी मतलब। और यहाँ पे इसमें ऐसा मिलता है खोलने का, जैसे कि डोर का मिलता है, डोर का इसका तो अलग जैसा वैगनार का मिलता है, देखिए ऐसा ऐसा मिलता है। और साइड वाले इसके मिलते हैं अलग वाले, जो उनसे अब आ रहे हैं न्यू मॉडल में ऐसे। और दोस्तों पहले तो ऐसे आते थे ये वाले, और अब दोस्तों इसका एक फेसलिफ्ट और आ गया है न्यू वाला सिलेरियो, बट ये इससे पहले वाली है सिलेरियो। और भाई ऐसी कुछ मिलती है इसमें टेल लाइट, जैसे कि आप, और दोस्तों जो आपको शोर वगैरह आ रहा हो, आज मैं घर पर वीडियो बना रहा हूँ तो आप इग्नोर करना। तो भाइयों ऐसी कुछ टेल लाइट मिलती हैं, ये इसमें हैलोजन बल्ब, ये तीनों हैलोजन ही है। और भाइयों देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये इसके यहाँ पे मड फ्लैप, देखो ऐसे कुछ। और बात करें यहाँ पे, इधर यहाँ पे इसकी ब्रेक लाइट, ये ब्रेक जलाने पर जलती है जब जलाए मतलब ब्रेक लगाएंगे। और ऐसे कुछ रूप एंटीना मिलता है इसमें आगे यहाँ पे देखने के लिए, ये इसका एडजस्टेबल है, देखिए ऊपर नीचे, देखो ये हो जाएगा ये। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें इसके यहाँ पे टायर, सबसे पहले देखे टायर की कंपनी। तो भाइयों गुडियर के टायर मिलते हैं, देखो गुडियर के टायर। और इसकी यहाँ पे देखो 165/70 R14 का टायर मिलता है, 165 इसकी चौड़ाई। और दोस्तों ये इसका 165 का 70% है इसका, ये मतलब ये ऊंचाई, और 14 इंच का टायर मिलता है इसमें। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भी लिखा 165 R14। और भाइयों अगला टायर, ये तो दोस्तों सेम ही मिलते हैं गुडियर के, देखो अब हमें पता चल गया, देखो चारों टायर एक ही कंपनी के हैं। और दोस्तों यहाँ पर फेंडर में मिलता है इंडिकेटर, ये ऐसे कुछ मिलते हैं यहाँ पर, ये इसके मिरर, इनकी बात करेंगे जब चलेंगे अंदर। तो भाइयों और इसमें यहाँ पर डोर के यहाँ पे वाइजर से लगे हैं, देखिए ये स्क्रेच से बचाते हैं, जब कहीं खिड़की वगैरह मतलब डोर खोलते हैं कहीं तो दीवार वगैरह पर लगे तो ये बचा लेते हैं लिटिल लिटिल, ज़्यादा तो बचा नहीं पाते हैं। और ये दोस्तों यहाँ पे रेन वाइजर इसके, देखो फोर सुजुकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसे कुछ ये मिलते हैं। और व्हील कैप लगे आते हैं इसमें, एलोय नहीं आते, वो तो भाइयों अपनी मर्जी है एलोय लगवाने की, बट फ्रेंड्स ये व्हील कवर लग रहे हैं इसमें। बात करें आगे, आगे से ऐसी कुछ लुक मिलती है दोस्तों इसकी, कुछ इसकी लुक आगे से कुछ कुछ इर्टिगा जैसी लुक मिलती है। और इसकी यहाँ पे बात करें इसकी हेडलाइट, हेडलाइट में देखो ये बल्ब मिलता है हैलोजन बल्ब। और इसको यहाँ पर आप जूम करके पढ़ सकते हो, जूम तो मैंने कर लिया, ये दिखाए नहीं फ्रेंड्स इसमें, यहाँ पर आईफोन के कैमरे पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पर हैलोजन बल्ब मिलता है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जर्मनी 12 वोल्ट 60 एम्पियर का मिलता है बल्ब इसमें। और बात करें इधर यहाँ पे, ये इंडिकेटर वाला, ये पार्किंग वाला बल्ब, यहाँ पे फोग लैंप मिलते हैं ऐसे। और यहाँ पे सुजुकी का लोगो ग्रिल में, ऐसा कुछ यहाँ पे देखो, अंदर रेडिएटर मिलता है, ये मिलता है छोटा सा हो रहा है अंदर, इसकी आवाज़ सुनाएंगे आपको। और ऐसे यहाँ पे टेल लाइट, आई मीन हेडलाइट, और ऐसे कुछ मिलते हैं ये वाइपर, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसके, यहाँ पे देखो। और भाइयों ऐसी कुछ मिलती है ये गाड़ी। अब एक बार इसके साइड से और लुक दिखाते हैं यहाँ से ऐसी, अब चलते हैं इसके अंदर लेकर। तो भाइयों बात करते हैं, भाइयों ऐसी कुछ की मिलती है इसकी,
जैसा कि सुजुकी की गाड़ियों में आती है, और ये सेंटर लॉकिंग के साथ आती है। ये इसका रिमोट, इसमें रिमोट में फीचर मिलते हैं, यहाँ पे लॉक अनलॉक, और यहाँ पे इसका साउंड का। मान लिया हमने कहीं पार्किंग में खड़ी कर रखी है, तो ये करने के लिए कि हमें अपनी गाड़ी का पता लग जाए। और यहाँ पे भाइयों इसके बूट ओपन करने के लिए, और सबसे पहले हम खोलते हैं गाड़ी को और दिखाते हैं आपको। खोलेंगे, देखिए खोली, और फ्रेंड्स दिखाते हैं आपको, अंदर चलकर दिखाएंगे। गाड़ी के अंदर आ गए हैं, अंदर से कुछ लुक देखो। यहाँ पे इसका मीटर मिलता है, मीटर में एक बार दिखा दें आपको चाबी लगाकर। सो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे सीधा सूरज पड़ रहा है, तो भाइयों आप इग्नोर तो क्या करोगे, मतलब आप एडजस्ट कर लेना बस थोड़ा सा। यहाँ पे इसमें आप CNG लगी मिलती है, तो भाइयों आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स देखो, ये इसका यहाँ पे स्टीरियो, ये नॉर्मल स्टीरियो मिलता है, मतलब एंड्रॉयड वगैरह नहीं है, बट ये भी बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे इसका ये हजार का, चारों इंडिकेटर एक साथ चलते हैं। और फ्रेंड्स ये इसके यहाँ पे कुछ AC के, यहाँ पे एडजस्ट के साथ यहाँ पे। और भाइयों इसके यहाँ पे मैंने मिरर बताए थे, ये ऑटो फोल्ड अनफोल्ड तो है नहीं, बट फ्रेंड्स ये यहाँ पे अंदर से एडजस्टेबल है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस नॉब से। और भाइयों यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इसके पावर विंडो का लॉक, ये यहाँ पर लॉक अनलॉक, जैसे कि लॉक अनलॉक एक बटन से ही। और यहाँ पर दोस्तों इसके पावर विंडो के एक मिलता है ऑटो ये, और फ्रेंड्स और मिलते हैं इसके नॉर्मल वन टैप वाले, और एक मिलता है ऑटो, मतलब ये ड्राइवर साइड वाला, और वन टैप मिलते हैं, मतलब जब आओगे जब ही होएंगे। और फ्रेंड्स ऐसा कुछ इसका यहाँ पे गियर नॉब, ये पांच गियर मिलते हैं एक रिवर्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे इसके चार्जिंग वगैरह के तो एक्सेसरीज का पार्ट है, लगवा सकते हैं 12 वोल्ट के सॉकेट में चार्जिंग का। यहाँ पे इसके ये कुछ AC के कंट्रोल, ये ऐसा कुछ फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये स्टीरियो का रिमोट ये, और स्टीरियो में दोस्तों हम यहाँ पे इसकी ये पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ये करके इसको कर देते हैं बंद, ये कर दिया। और भाइयों देखो यहाँ पे इसका ये मिलता है दोस्तों, बहुत तेज धूप पड़ रही है तो कुछ चमक नहीं रहा, बट फ्रेंड्स आप थोड़े से एडजस्ट कर लेना यहाँ पे, ये इसके यहाँ पे डे नाइट की ऑप्शन के साथ, मतलब ये मिरर। और फ्रेंड्स देखिए ऐसे कुछ यहाँ पे इसके ये मिलते हैं देखो दोस्तों, इसमें एक यहाँ पे एक्सटर्नल माइक भी मिलता है, ये कॉल वगैरह करने के लिए। और भाइयों इसके यहाँ पे लाइट, ये ऑफ फिर डोर पर हो जाएगी, डोर खुलते चलेगी, और यहाँ पे ऑन परमानेंटली ऑन रहेगी, इसको ऑफ कर देते हैं। और भाइयों देखो ऐसा कुछ इसका बूट, ये बूट देख सकते हैं, बूट में काफ़ी स्पेस मिलता है। यहाँ पे इसके कप होल्डर दो, ऐसे हैंड ब्रेक, और यहाँ पे लग जाएगी दोस्तों ये इसकी सीट बेल्ट, ऐसी कुछ सीट बेल्ट देखने को मिलती है। और भाइयों देखो यहाँ पे इसका कुछ ऐसा स्टेयरिंग और हॉर्न की आवाज़ सुना है, ऐसा कुछ हॉर्न मिलता है, मैं देख सुनाऊँ आपको। हाँ ऐसा कुछ हॉर्न मिलता है। और यहाँ पे भाइयों इसका ये मिलता है देखो, ये इसका हिपहॉप का, ये इसका ये मिलता है। बात करते हैं पीछे स्पेस की, ऐसा कुछ यहाँ पे इतना कुछ स्पेस मिलता है, ये यहाँ पे कुछ सीट में यहाँ पे इसकी पॉकेट मिलती है सामान रखने के लिए। यहाँ पे एक और बोतल होल्डर, ये तो दोस्तों पीछे वाला तो मिलता ही है। और भाइयों पीछे पावर विंडो, जैसे कि VXI है गाड़ी। और फ्रेंड्स देखो सीट बेल्ट मिलती है पीछे, ये इसमें यहाँ पे ये ट्रे मिलती है देखो, बूट के ऊपर की ट्रे। और फ्रेंड्स देखिए इसमें यहाँ पे कुछ ये ऐड के मिलते हैं, वो सीट दोस्तों 60/40 मिलती है, इसको खोल कर ये फोल्ड हो जाती है एक, और फ्रेंड्स मतलब दोनों अलग अलग फोल्ड हो जाएंगी देखो। और ऐसे कुछ मिलती है, ये मैट मिलते हैं ये वाले, और काफ़ी स्पेस है दोस्तों, जैसे कि मैं पीछे बैठूँगा देखो आगे से भी है, मतलब मैं आगे बैठा था अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी थी सीट, और मैं पीछे बैठा हूँ, मुझे काफ़ी स्पेस देखने को मिल रहा है, गाड़ी में स्पेस तो है काफ़ी। और करते हैं बंद, यहाँ पे दोस्तों
ये मिलते हैं यहाँ पे भी बोतल होल्डर, यहाँ पे बोतल आ जाएगी या गिलास कुछ भी। और भाइयों कर देते हैं बंद गाड़ी को ये, और दिखाते हैं एक बार पीछे ऐसे कुछ मिलती है। ये सीएनजी वगैरह कुछ नहीं मिलती भाइयों, इसमें पेट्रोल पर है प्योर ऐसी कुछ। ये गाड़ी यहाँ पर हुक्म मिलता है ये वाला, और भाइयों इसकी टूल किट वगैरह सारी, और अंदर मिलता है टायर देखो ये, इसकी टूल किट वगैरह प्रॉपर। और फ्रेंड्स देखो कर देते हैं बूट को बंद, बूट भी काफ़ी मिलता है इसमें काफ़ी। कर दी गाड़ी हमने बंद, और भाइयों ऐसा कुछ ये गाड़ी का था रिव्यू। और ये फ्रेंड्स देखो, सो फ्रेंड्स गाड़ी का रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स वैगनआर गाड़ी के साथ इसका कंपैरिजन देखना चाहते हो आप तो आप कमेंट कर देना, कंपैरिजन भी ला देंगे कंपैरिजन की वीडियो कि वैगनआर बेहतर है या ये वाली सिलेरियो। तो भाइयों आप कमेंट कर देना बस एक बार। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।